थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एम टी प्रो। माय नेम इज तिलक। तो आज की वीडियो में मेरे पास है आईमाओ की तरफ से आने वाला ये एक स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा। इसके अनबॉक्सिंग का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। पर उसके अंदर जस्ट ओवरव्यू दिया था कि किस तरह से इसकी सेटअप हम करते हैं, पर अब डिटेल सेटअप इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरा देखिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसमें जो नाइट की विजिबिलिटी है वो कैसी रहेगी, कैमरे की विजिबिलिटी क्या रहेगी, सारे फंक्शन के बारे में डिटेल इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला। तो वीडियो होने वाली काफी इन्फॉर्मेशनल, अगर पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया हम अपने सेटअप पर, और आप देख सकते हैं ये मेरे पास आईमाओ का ये जो कैमरा है अवेलेबल है। और इसके अंदर आप पोर्ट की बात करें, लैन पोर्ट दे रखा है, चार्जिंग के लिए यहाँ पे दे रखा है। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक लाइट का इंडिकेटर है, ये कैमरा है। और मेमोरी कार्ड बहुत लोग पूछते हैं कि कहाँ लगता है, ये इसके नीचे लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे एक रीसेट बटन है। तो ये कैमरा ओवरऑल था। तो जल्दी से आ जाते हैं मोबाइल पर, और सबसे पहले कर लेते हैं इसको इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप देखिए, अब ये जो बॉक्स है, बॉक्स में यहाँ पे एक बार कोड दे रखा है, आपको दिख रहा होगा ये, इससे आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जल्दी से इसको स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करके जस्ट आप ये कर सकते हैं, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। और इसका नाम भी आईमाओ ईजी स्मार्ट लाइफ करके ये ऐप है। तो ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, तो मैं ऐप स्टोर पे जाता हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आईमाओ लाइफ के नाम से है। तो यहाँ पे जल्दी से इसको मैं कर देता हूँ डाउनलोड। ये हो चुके डाउनलोड, मैं जस्ट इसको कर देता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, आपको एक्सेस करना है अलाउ, फिर उसके बाद एग्री करना है, ठीक है। फिर दोबारा कुछ परमिशन ये मांग रहा है, इन सबको आपको अलाउ कर देना है। फिर अलाउ वाइल यूजिंग ऐप कर सकते हैं, अलाउ ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो लॉगिन और साइन अप का आता है। अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है, मतलब पहले से आपने कोई अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे करने के बाद आपसे कंट्री पूछ रहा है, कौन से कंट्री पे, यहाँ पे मैं इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। तो इंडिया मैंने चूज़ कर लिया लोकेशन, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। इसके बाद वो ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो आप अपना ईमेल आईडी इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ, मैंने ईमेल आईडी डाल दिया है इसके अंदर, आप चेक कर सकते हैं। और आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं, न्यू पासवर्ड आपको इसके अंदर डालना है। तो मैंने पासवर्ड ही एंटर कर दिया, आप देख सकते हैं। ये फिर आपको अलाउ के लिए पूछेगा, यहाँ पे बस अलाउ कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं आप लॉगिन हो चुका है इसमें। अब हम मेरे को इस कैमरे को इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड डिवाइस का ऑप्शन है, इस पर जस्ट मेरे को क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर से भी आप प्लस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, और उसके बाद अलाउ करना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये QR कोड के लिए पूछ रहा है, जो आप देख सकते हैं इसके पीछे ये QR कोड है। मैं जल्दी से इसको स्कैन कर लेता हूँ इस पर, और स्कैन करने के बाद आपके डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे आ चुकी है। अब जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि बिफोर प्रोसीड प्लीज एंश्योर द डिवाइस इज पावर अप, पावर अप होना चाहिए, LED फ्लैशिंग ग्रीन स्लोली होना चाहिए, और वाईफाई का पासवर्ड हैंडी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद ये ज्वाइन करने के लिए कह रहा है कि आप जो है वाईफाई को ज्वाइन करा दीजिए। तो यहाँ पर अपना जो वाईफाई है आपको चूज़ करना है। यहाँ पर देखिए अब ये आपको वाईफाई की स्क्रीन आ गई होगी, इसमें यहाँ पर मेंशन है कि 5 GHz का जो नेटवर्क है ये नहीं चल पाएगा, 2.4 पे ही चलता है। तो जस्ट मेरा जो वाईफाई है मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ इसे। यहाँ पर मुझे इसका पासवर्ड डालना है, पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ इसमें। पासवर्ड डाल के रिमेंबर पासवर्ड पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, और जस्ट आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट करते ही आप देखिए यहाँ पर कनेक्शन के लिए ये रेडी है, मतलब कनेक्ट हो रहा है। तो ये कुछ सेकंड लेगा, यहाँ पे 120 सेकंड के करीब, मतलब 2 मिनट के करीब का मैक्सिमम टाइम है, पर उससे पहले ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्टिंग हो रहा है, ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चूज़ करना है कि आप फ्रंट डोर का कैमरा है, बैक यार्ड का है, गैराज का है, किचन का है, लिविंग रूम में कुछ भी आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फ्रंट डोर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद रीजन हमें चूज़ करना है कि हम कहाँ पर हैं, तो इंडिया के लिए कोलकाता हमें चूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। फिर उसके बाद डन कर देंगे। अब डन करते ही आप देखिए यहाँ पे कैमरा आ चुका है, और ये ऑनलाइन है, ठीक है। आप जैसे जैसे इस पर क्लिक टैप करेंगे तो आपको देखिए ये ऑनलाइन फुटेज देख रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसे अप एंड डाउन करने का है,
तो ये जो कैमरा है ये रोटेट हो जाता है किसी भी एंगल पर। ये देखिए आपको इस टाइप की फुटेज यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये कुछ इस तरह की फुटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और किसी भी एंगल पे इसे रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं ये फुटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी है, नेक्स्ट ऑप्शन वीडियो की जो क्वालिटी है 720p भी आप सेट कर सकते हैं इसको, और 480p पे और 1080p पे भी आप सेट कर सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब से क्वालिटी चाहिए वो कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड मोबाइल पे भी कर सकते हैं हम इसको, आप देख सकते हैं। तो बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेरा है। तो जल्दी से अभी मैंने आप कैमरे को लगा दिया बाहर, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से फुटेज आप इस तरह से देखने को मिल रही है। तो मैं एक बार बाहर जाके देखता हूँ कैमरे के पास। तो कुछ इस तरह से आप जो है नाइट में भी बिल्कुल क्लियर आपको ये फुटेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये था इसका कंप्लीट सेटअप। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। सारे कमेंट्स का मैं वहाँ पर आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए।